ओम शांति। आज 12/7/2022 के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे किसी देहधारी से देहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। प्रश्न है, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर है, श्री का टाइटल, क्योंकि किसी श्री अर्थात पवित्र श्रेष्ठ को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है न सुननी है, ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा है, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो, बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। आज का वरदान है, शुद्धि के विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो वा चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजय, यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। आज का